गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्पेक्ट्रम की नेक्स्ट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था, उससे आगे की सीरीज़ है। इसमें हम इंग्लिश से शुरू करेंगे। तो चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, चार्टर का मतलब होता है जब कोई भी हेड ऑफ द स्टेट किसी एक पेपर पर लिख करके अपने सिग्नेचर के साथ कोई बात इशू करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में राजपत्र होता है ना, गैजेट होता है, इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया में चार्टर होता है। तो फ्रांसिस ड्रेक जो थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में चक्का लगाया था कब, 1580 में, ठीक है ना। और ये इंग्लिश की विक्ट्री थी स्पैनिश आर्मेडा के ऊपर 1588 में, जिसने ब्रिटिश एंटरप्राइजेस में एक नया सेंस क्रिएट किया और सेलर्स को इनकरेज किया कि वो ईस्ट की तरफ कदम बढ़ाएं, ठीक है। तो फ्रांसिस ड्रेक वॉयज अराउंड द वर्ल्ड इन 1580, फ्रांसिस ड्रेक वॉयज ने पूरे वर्ल्ड का चक्कर कब लगाया, 1580 में लगाया। और इंग्लिश विक्ट्री हुई है स्पेनिश आर्मेडा पर 1588 में। ओके, आगे चलता है। एज द नॉलेज ग्रू ऑफ द हाई प्रॉफिट, जैसे पता चला मतलब कि जो पोर्टुग्यूज हैं वो ईस्टर्न ट्रेड से बहुत हाई प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत हाई प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं ईस्टर्न ट्रेड से, तो ये इंग्लिश ट्रेडर जो थे, इन्होंने भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करने की सोची। वो भी चाहते थे कि उनको भी इसमें पार्टिसिपेट मिले, उनको भी इसमें शेयर मिले। तो 1599 में क्या होता है, इंग्लिश के मर्चेंट अपना एक ग्रुप बनाते हैं और अपने उस ग्रुप को एक नाम देते हैं, वो नाम होता है मर्चेंट एडवेंचर्स। एक अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं जिसका नाम है मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है ना। अपने आप को वो क्या नाम देते हैं, मर्चेंट एडवेंचर्स। क्या करते हैं, इंग्लिश मर्चेंट अपने आप को कंबाइन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और उसको नाम देते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स 1599 में। और दिसंबर 31st दिसंबर 1600 को क्या होता है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो इंग्लैंड की महारानी थी, वो एक चार्टर इशू करती है जिसपे वो इन ट्रेडर्स मर्चेंट्स को, मर्चेंट एडवेंचरर्स को एक ट्रेडिंग एक्सक्लूसिव राइट देती हैं, ठीक है ना, एक ट्रेडिंग एक्सक्लूसिव राइट देती हैं कि वो अपनी कंपनी बनाए, कंपनी का नाम होगा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है ना, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंडन, ठीक है, ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। एक बार और बोलो मेरे साथ, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेड इन टू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी को नाम देते हैं। और इस कंपनी को 15 साल की मोनोपोली मिलती है। इसका मतलब, मोनोपोली का मतलब केवल एक यही कंपनी है इंग्लैंड की तरफ से जो व्यापार करेगी इंग्लैंड की ओर से वहाँ पर ईस्ट में। तो 15 ईयर की स्टार्टिंग में मोनोपोली मिलती है, फिर मई 1609 में इसे इनडेफिनेट पीरियड के लिए क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है फ्रेश चार्टर बना करके मई 1609 में। डच ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर रहे थे ईस्ट इंडीज़ पे, और इंग्लिश का जो टर्न था वो कहाँ था, इंडिया पर था, किसके सर्च में, ट्रेड कमोडिटीज़ के सर्च में और साथ ही साथ में टेक्सटाइल कपड़े के सर्च में। अब इंग्लिश कंपनी की प्रोग्रेस देखो, हमें पता है कैप्टन हॉकिंस जो थे वो गए थे जहांगीर के दरबार में, और कैप्टन हॉकिंस के जहाज़ का नाम क्या था, हेक्टर, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर दरबार 1609 में जाता है, 8 में जाता है, 1611 तक 3 साल तक उसके दरबार में रहने के बाद आते हैं। जहांगीर जो है इनको मनसब की उपाधि भी देते हैं, ठीक है। इनका मिशन क्या था, सूरत में फैक्ट्री खोलना, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाए थे क्योंकि पोर्तुगीज ने पोजीशन कर दिया था। उसके बाद में हॉकिंस आगरा से चले जाते हैं नवंबर 1611 में, ठीक है। उसके बाद 1611 में जो है इंग्लिश जो है वो अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं मसूली पट्टनम से, जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे, ये वो प्लेस है जहाँ पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री ओपन की थी आंध्र प्रदेश में। तो इंग्लिश जो है अपना ट्रेड 1611 में मसूली पट्टनम से स्टार्ट करते हैं साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से, और वहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री बनाते हैं बाद में 1616 में, लेकिन ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं 1611 में मसूली पट्टनम से ईस्टर्न कोस्ट से, लेकिन अपनी फैक्ट्री कब स्टेबलाइज करते हैं 1616 में। जब 1611 के अंदर तो कैप्टन हॉकिंस वापस चले गए थे नंबर 1611 में, तो 1612 में आते हैं कैप्टन थॉमस बेस्ट। ये कैप्टन थॉमस बेस्ट जो होते हैं ये पोर्टुगीज को सूरत किसी पर हरा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग में जब सूरत में फैक्ट्री खोलने की इच्छा रखी थी कैप्टन हॉकिंस ने, तो पोर्टुगीज ने अगेंस्ट किया था। तो जब कैप्टन थॉमस बेस्ट आए तो उन्होंने सबसे पहले सूरत पर आकर पोर्टुगीज को सी पर हरा दिया 1612 में। इससे जहांगीर बहुत इंप्रेस हुआ और उन्होंने इंग्लिश को परमिशन दे दी कि वो 1630 में अपनी सूरत के अंदर फैक्ट्री खोल सकते हैं, और उसका जो लीडर था वो कौन था, थॉमस एल्डवर्थ,
ठीक है, यानी जब 1612 में कैप्टन थॉमस पेस ने पोर्तुगीज को सी ऑफ में हरा दिया तो उसे जहांगीर ने खुश हुआ, खुश होकर के इंग्लिश को शुगर पर फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी और वहाँ पर फैक्ट्री खोली गई, और फैक्ट्री खोली गई किसके अंडर में, थॉमस एडवर्थ के अंडर में, और कब खोली गई 1613 में, यानी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, हराने के नेक्स्ट ईयर एडवर्ड। फिर 1615 में क्या होता है, सर थॉमस रो आते हैं, ये कौन किसके एम्बेसडर थे, वो जो स्टार्टिंग में कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और ये उनके सक्सीडर थे 1615 में जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट 1615 तक बन चुके थे और जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर के रूप में सर थॉमस रो भारत आए, ठीक है। तो वो कब तक रहे भारत, 1619 तक, यानी 4 साल तक वो भारत रहे, और कैप्टन हॉकिंस 3 साल तक भारत रहे। तो सर थॉमस रो 4 साल तक 1615 से 1619 तक भारत में रहे, और वो भी अनसक्सेसफुल रहे किसी प्रकार की कमर्शियल ट्रीटी करने में मुगल एम्परर के साथ में, यानी उनको भी सक्सेस नहीं मिली कि वो किसी प्रकार की कमर्शियल ट्रीटी करने मुगल एम्परर के साथ में, ठीक है ना। और साथ ही साथ लेकिन उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिल गई थी, जैसे कि उन्हें परमिशन मिल गई थी फैक्ट्री खोलने की, कहाँ पे, आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में, इन 3 जगह पे उन्हें फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कमर्शियल ट्रीटी करने में मुगल एम्परर के साथ में बहुत सक्सेसफुल रहे। पर आगरा, अहमदाबाद, भरूच में 3 जगह अपनी फैक्ट्री खोलने की परमिशन सर थॉमस रो ने मुगल एम्परर जहांगीर से ले ली थी। अब इंग्लिश कंपनी जो थी वो इतनी स्मूथ प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, ठीक है ना। जो पोर्तुगीज और डच थे उनकी वो इनकी बिगनिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, लेकिन जब सिचुएशन चेंज होने लगी तो उनको मदद मिली, क्या उनके फेवर में सिचुएशन चेंज होने लगी। पहली बात तो जो उसके राजकुमार थे, पोर्तुगीज की राजकुमारी थी जिनका नाम था प्रिंस कैथरीन, तो पोर्तुगीज की राजकुमारी प्रिंस कैथरीन का विवाह हुआ था चार्ल्स सेकेंड, जो पोर्तुगल के किंग थे, चार्ल्स सेकेंड बाय द किंग ऑफ पोर्तुगल एस्टोरी व्हेन चार्ल्स मैरिड द पोर्तुगल क्वीन। जब चार्ल्स सेकेंड ने पोर्तुगीज की राजकुमारी कैथरीन के साथ शादी की तो पोर्तुगीज ने जो बॉम्बे था वो लीज पर डोरी के रूप में किसको दे दिया, चार्ल्स सेकेंड को दे दिया। चार्ल्स सेकेंड और प्रिंस कैथरीन की शादी में पोर्तुगीज ने जो बॉम्बे था वो डोरी के रूप में चार्ल्स को दे दिया, कब दिया, 1662 में, ठीक है ना, 1662 में दिया। और बॉम्बे जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया चार्ल्स ने £10 पेमेंट करने के बदले 1668 में, यानी 1662 में चार्ल्स सेकंड को डोरी के रूप में बॉम्बे मिला, उसके 6 साल बाद 1668 उसने £10 के बदले ये जो बॉम्बे था वो लीज पर किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। लेटर बॉम्बे में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया वेस्टर्न रेसिडेंसी से, यानी सूरत से अब उन्होंने अपना हेडक्वार्टर वेस्टर्न साइड में कहाँ पर शिफ्ट कर लिया, बॉम्बे में शिफ्ट कर लिया। ये उन्होंने कब करा, 1687 में, ठीक है ना, 1662 में वो डोरी के रूप में उन्हें मिला, 6 साल बाद 1668 में उन्होंने वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर उसके भी वो काफ़ी टाइम बाद जा कर के 20-21 साल में जा करके 1687 में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बॉम्बे को बनाया। इंग्लिश और पोर्तुगीज के बीच में बहुत सारी टैक्टिक पीस होती नहीं, ठीक है, लेकिन एंग्लो डच ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। डच एग्रीड नहीं थे, मतलब एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इंग्लिश कंपनी ट्रेड इन इंडिया, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश वर एड ऑफ 2 आर्क राइवल्स इन इंडिया, ठीक। इंग्लिश कंपनी जो थी उसकी पोजीशन इंप्रूव होती गई, एक गोल्डन फरमान मिला, जो गोल्डन फरमान देने वाले थे वो गोलकोंडा के सुल्तान थे, ठीक है ना, उन्होंने गोल्डन फरमान दिया गोलकोंडा के सुल्तान ने, कब दिया, 1632 में, 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने क्या दिया, इंग्लिश इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान दिया। उन्होंने बोला कि 500 पैगोडा के पेमेंट पर ईयर, तुम्हें 500 पैगोडा पेमेंट देना है मुझे, उसके बदले में तुम्हें ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए जाएंगे कि तुम फ्री जो है गोलकोंडा के पोर्ट से ट्रेड कर सकते हो, यानी गोलकोंडा के पोर्ट से विदाउट किसी टैक्स फ्रीली ट्रेड करने की परमिशन दी, गोल्डन फरमान इसे बोला गया, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने दिया, और कब दिया, 1632 में दिया। तो जो मसूलीपट्टनम की काउंसिल थी, जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उनका नाम था फ्रांसिस डे, तो ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे 1639 में क्या रिसीव करते हैं, रूलर ऑफ चंद्रगिरी परमिशन, यानी 1632 में उन्हें गोल्डन फरमान के थ्रू गोलकोंडा पोर्ट मिल गया फ्रीली ट्रेड करने के लिए। उसके बाद फ्रांसिस डे जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उन्हें 1632 मतलब 7 साल बाद 1639 में चंद्रगिरी मिल गया, और उन्हें वहाँ पर 45 फैक्ट्री खोलने की मद्रास में परमिशन भी मिल गई, ठीक है ना। यानी फ्रांसिस डे को 7 साल बाद 1632 को 1639 में साउथ इंडिया के अंदर मद्रास चंद्रगिरी जो प्लेस थी वो मिल गई, और वहाँ पे उन्हें 45
करने की परमिशन मिल गई, वॉट फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल गई मद्रास में, जो बाद में जाकर उसका नाम पड़ा फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसने मसूलीपट्टनम वाली प्लेस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जो पहले हेडक्वार्टर मसूलीपट्टनम में था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। मुंबई में कब शिफ्ट हुआ, 1687 में, और ये कब की बात है, 1639 की, ठीक है, 1639 की बात है, जब चंद्रगिरी के रूलर ने उनको फोर्टिफाई करने की परमिशन दी, फोर्टिफाई फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी मद्रास में, जो सर सेंट जॉर्ज के नाम से रिप्लेस हुआ और हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया मसूलीपट्टनम से कहाँ पर, मद्रास में, साउथ इंडिया में। तो इंग्लिश ने ट्रेडिंग अपना एक्सटेंड कर दिया अपनी एक्टिविटीज़, और उन्होंने फैक्ट्रीज खोली हरिहरपुरा में, हरिहरपुर जो कि महानदी डेल्टा पर है, और बालासोर उड़ीसा में 1633 में, यानी हरिहरपुर में महानदी डेल्टा पर भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली और उड़ीसा में भी खोली उन्होंने, उड़ीसा में कहाँ, बालासोर में, ठीक है ना, हरिहरपुरा महानदी कोस्ट पर, उड़ीसा में बालाकोट में 1633 में उन्होंने फैक्ट्री खोली और अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ किया, एक्सटेंड किया। अब फुट होल्ड इन बंगाल, बंगाल जो था वो काफ़ी बड़ा और रिच प्रोविंस था इंडिया का, जहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी एडवांस था, ठीक है ना। कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल जो था बंगाल पर नेचुरली अट्रैक्टिव प्रीपोजिशन था, यानी कि प्रॉफिट सीकिंग इंग्लिश मर्चेंट जो थे वो जो चाहते थे कि बंगाल जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस था मुगल एम्पायर का, उस समय बंगाल का जो सूबेदार था उसका नाम क्या था, शाह शुजा, यानी उस समय 1651 में बंगाल का सूबेदार का नाम क्या था, शाह शुजा नाम था, जो उस समय बंगाल का सूबेदार था 1651 में। उसने इंग्लिश को अलाउ किया कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में एनुअल पेमेंट देना पड़ेगा 3000 रुपये, ठीक है ना, इन लाइन ऑफ ऑल ड्यूटीज, यानी सभी ड्यूटीज़ को नहीं देना है उनको, उन सभी ड्यूटीज़ के बदले उन्हें 3000 रुपये एनुअल पेमेंट देना है। किनको देना है, इंग्लिश को देना है बंगाल में ट्रेड करने के बदले, ठीक है ना, ये इंग्लिश को परमिशन मिल गई बंगाल में ट्रेड करने के बदले, लेकिन एनुअल पेमेंट के साथ 3000 रुपीज़, ठीक है, इन लाइन ऑफ ऑल ड्यूटीज़, ओके। 1651 में ये हुआ, उसमें शाह शुजा सूबेदार था बंगाल का। अब उन्होंने क्या करा, फैक्ट्रीज स्टार्ट करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रीज उन्होंने कहाँ पर खोली, हुगली में खोली 1651 में, ये औरंगजेब की टाइम की बात, अभी तो शाहजहाँ है 1658 तक, उसके बाद औरंगजेब आएंगे। तो उन्होंने हुगली में फैक्ट्री खोली अपनी, और मसूल कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्री खोली, पटना में खोली, राजमहल में खोली, चार जगह पर उन्होंने 1651 में अपनी फैक्ट्री खोली, हुगली, कासिम बाजार, पटना और राजमहल, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक फरमान, मतलब फरमान उन्होंने प्राप्त करने की कोशिश की, जो कंपनीज ने बिजनेस करवाज ना उदैन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय कस्टम ऑफिसर इन द लोकल, वो चाहते थे कि जो कस्टम है, मतलब कि जो जगह जगह पर टैक्स लगाया जाता है लोकल चेक पोस्ट के द्वारा, उन सबसे उन्हें फ्री मिल कर दिया जाए, ये सब टोल वगैरह उन्हें नहीं देने पर है, ठीक है ना। तो इस पॉलिसी के परस्यूज में कंपनी वॉन्टेड टू है, वो क्या चाहती थी कि वो हुगली पे अपने आप फोर्टिफाइड कर ले, और ना जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो वो अपनी वहाँ पर फोर्स रख सके, अगर आवश्यकता पड़े तो उसको यूज़ भी कर सके, तो फोर्टिफाइड करने का यही मतलब होता है। तो जो विलियम हेज थे, जो पहले एजेंट थे गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल, यानी कि जो बंगाल में कंपनी थी उसके गवर्नर थे, वो पहले एजेंट भी थे, जिनका नाम था विलियम हेज। जब गवर्नमेंट कंपनी बंगाल में खोली गई तो इंग्लिश एजेंट के रूप में वहाँ पर कौन थे, विलियम हेज थे, ठीक है ना, कौन थे, इंग्लिश एजेंट के रूप में विलियम हेज थे, जो फर्स्ट एजेंट थे गवर्नर ऑफ द कंपनी के इन बंगाल में, ठीक है, विलियम हेज। उन्होंने क्या करा, शाइस्ता खान से अपील की कि जो मुगल गवर्नर हैं बंगाल में, अगस्त 1682 में, इन्होंने अपील कब की, 1682 में, जबकि 1651 फैक्ट्री खुल गई थी, लगभग 30 साल बाद इन्होंने शाइस्ता खान से अपील की, जो कि पहले कौन थे, 1651 में शाह शुजा थे गवर्नर ऑफ बंगाल, लेकिन अब शाइस्ता खान बन चुके थे गवर्नर ऑफ बंगाल 1682 तक आते आते, ठीक है, 1682 तक आते आते इन्होंने अपना जो बात थी उनके सामने रखी, और लेकिन कुछ उस अपील का कुछ निकल के नहीं आया, बल्कि उन दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी क्रिएट हो गई इंग्लिश और मुगल्स के बीच में। चार साल बाद 1682 से 1686 में हुगली जो था वो इंपीरियल मुगल्स के द्वारा सेक्ट कर दिया गया, और इंग्लिश को वहाँ से रिटेलिएट होना पड़ा, है ना, और इंपीरियल फोर्ट थाना जो था उनको वहाँ पर रीच करना पड़ा। तो रेडिंग हिजली इन ईस्ट मिदनापुर ने स्ट्रॉन्ग द मुगल फोर्टिफिकेशन, तो मुगल ने जो फोर्टिफिकेशन किया था, मुगल्स ने जो फोर्टिफिकेशन किया था उस फोर्टिफिकेशन को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, बस फोर्स टू लीव हुगली, उन्होंने इंग्लिश को फोर्स कर दिया गया कि वो हुगली को छोड़कर चले जाए, ठीक है ना, क्योंकि गंगा रिवर के माउथ पे जो है बहुत अनहेल्दी कंडीशन थी, और वहाँ से उन्हें भगा दिया गया, रेड कर दिया गया। और इस समय तक कौन आ चुके थे, औरंगजेब आ चुका था, 1686 की बात है, ठीक है। आगे क्या होता है, जो मुगल हैं उन्हें हुगली नदी के बाद, आफ्टर द मुगल रेड, जब मुगल्स को हुगली नदी पर धकेल दिया गया, उन्हें रेड कर दिया गया, तो जॉब चार्नोक जो है एक कंपनी के एजेंट थे, और सबसे पहले एजेंट कौन थे, बंगाल की कंपनी गवर्नर कंपनी के विलियम हेज, ये जॉब चार्नोक हैं, ये भी कंपनी के एजेंट हैं।
इन्होंने बातचीत करना शुरू करी मुगल्स के साथ में, दोबारा से सुल्तानाती जगह है वहाँ पर वापस आ गए। यानी पहले इन्हें ढकेल दिया गया, इनकी बेइज्जती की इतनी बहुत बुरी तरीके से, गोली तक इन्हें ढकेल दिया गया। फोर्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे थे, फोर्स रखने की कोशिश कर रहे थे, जरूरत पड़े कि यूज़ कर पाए, अंग्रेजी में ढकेल दिया। फिर दोबारा से जॉब चाणक कंपनी का एजेंट बन के आया, मुगल से बातचीत करी और दोबारा से इन्हें रिटर्न करने के लिए एक प्लेस मिली। वो कौन सी प्लेस थी? सुल्तानाती, ठीक है ना, सुल्तानाती प्लेस थी। चाणक ने ट्रीटी साइन करी मुगल्स के साथ में कब? फरवरी 1619। ट्रीटी साइन कर पाई है फरवरी 1619 में, उससे पहले तक ये कोई ट्रीटी साइन नहीं कर पाए थे मुगल्स के साथ में। 1690 में जाकर के ये 80-90 साल बाद ये ट्रीटी साइन कर पाए 1569 में। और ये दोबारा सुल्तानाती गए अगस्त 1690 में, इंग्लिश की फैक्ट्री खोली गई यहाँ पर 10 फरवरी 1691 में, और ये इम्पीरियल फरमान इशू किया गया यहाँ पर। इंपीरियल फरमान में क्या था कि इंग्लिश जो है यहाँ से अपना ट्रेड कर सकते हैं बंगाल के अंदर, 3000 रुपये सारी ड्यूटी उसके बदले देंगे। जो पहली बात कही गई थी वही बात की गई, 3000 रुपये देने हैं और यहाँ से तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना, सारी ड्यूटी उसके बदले। अब जो जमींदार था वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का, इसका नाम था शोभा सिंह, ठीक है, उसने रिबेल करना शुरू कर दिया कि इंग्लिश को जो है ये 245 सुल्तानाती में अपना फोर्टिफिकेशन करने की इजाज़त मिल गई है, यहाँ से ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई है, 3000 रुपये साइड ड्यूटी उसके बदले 3000 रुपये ये लोग देंगे। 1696 में जो शोभा सिंह था, जो कि सुल्तानाती का जो है एक वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का जमींदार था, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के जमींदार का नाम क्या था? शोभा सिंह, यानी वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का जमींदार शोभा सिंह था, उसने क्या करना शुरू कर दिया? रिबेल करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और इंग्लिश क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वो फोर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे अपनी सेटलमेंट को सुल्तानाती में 1696 में। इसके बदले वर्धमान के गवर्नर शोभा सिंह ने क्या करना? रिवेल्ट करा। उसके 2 साल बाद 1698 में क्या होता है, इंग्लिश सक्सीड हो जाते हैं परमिशन लेने में 3 गांव की जमींदारी, ठीक है ना, 3 विलेजेस ऑफ सुल्तानाती, ठीक है ना। तो उन्होंने परमिशन कब मिली? 2 साल बाद 1698 में 3 विलेजेस की परमिशन मिली उन्हें, इंग्लिश को 3 जमींदारी मिली 3 विलेजेस की, ठीक है ना। उन्हें क्या मिला? परमिशन मिली बाय करने की जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस का मिली 1698 में। उन्हें परमिशन मिली टू बाय जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस, कहाँ कहाँ पे? सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकटा, ठीक है ना। कौन सी प्लेसेस है? सुल्तानाती है, गोविंदपुर, सुल्तानाती और कालीकटा। कालीकटा 3 प्लेसेस की उन्हें बाय करने की परमिशन मिली, जमींदारी ऑफ 3 प्लेसेस, ठीक है, 1698 में। और पेमेंट कितना दिया उन्होंने? 1200 रुपये। जब उन्होंने बाय किया तो पेमेंट कितना पड़ेगा? 1200 रुपये पेमेंट के बदले उन्हें जमींदारी मिली 3 गांव की, सुल्तानाती, गोविंदपुरा और कालीकटा, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। कब बनाया? 1700 में। और यहाँ पे ईस्टर्न प्रेसिडेंसी इनकी क्रिएट हो गई कलकत्ता, इनको उन्होंने इसको नाम दिया तीनों गाँव के विरुद्ध। और जब उन्होंने बाय करी जमींदारी और 3 विलेजेस, सुल्तानाती, गोविंदपुरा, कालीकटा, इन सब तीनों को मिलाकर उन्होंने एक टाउन, एक सिटी प्रेसिडेंसी बनाई जिसका नाम था कलकत्ता। और इसके हेड कौन थे शुरुआत में? पहले प्रेसिडेंट कौन थे फोर्ट विलियम के? सर चार्ल्स अय्यर, ठीक है ना। पहले प्रेसिडेंट कौन थे कलकत्ता के? सर चार्ल्स अय्यर, ठीक है।